हेलो फ्रेंड्स, सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया ग्रैनुल्स, जिसे सोया बड़ी चूरा भी कहते हैं। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। इसके लिए मैंने एक कटोरी सोया ग्रैनुल्स, दो टमाटर, दो प्याज, दो शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। पतीली में मैंने 3-4 कटोरी पानी डाला है। अब मैं इसमें सोया ग्रैनुल्स डालकर गैस को ऑन कर दूंगी और इसे उबलने दूंगी। सोया ग्रैनुल्स को उबलते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे छलनी में निकालकर इस पर ठंडा पानी डालेंगे। अब फिर से गैस को ऑन करके इस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें आधी कड़छी के करीब तेल डालेंगे। अब इसमें सबसे पहले प्याज डालकर इसे 2 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और शिमला मिर्च डालकर इसे 1 और मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें मसाले डालूंगी, 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वादानुसार नमक डालिए, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह हिलाऊंगी और इसमें टमाटर डालूंगी। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक सोया ग्रैनुल्स का पानी निचोड़कर अलग कर लेते हैं और इसे प्लेट में रख देते हैं। सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें सोया ग्रैनुल्स डालूंगी। और इसे अच्छी तरह हिलाकर 2-3 मिनट पकाऊंगी। सब्जी अच्छी तरह पक चुकी है, अब गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।